प्रिय मरियम भक्तों, आप सबको जय यीशु। आज वेलाकन्नी माता के नोवेना का चौथा दिन है। आज का विषय है हर समय आभार, जो कि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 46 से लिया गया है, जो कहता है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। इसे मां मरियम का स्तुतिगान या मैग्निफिकट कहा जाता है। मैग्निफिकट क्या है? मैग्निफिकट शब्द का अर्थ है गुणगान करना। संत लूकस के सुसमाचार में मैग्निफिकट गाना मां मरियम की ईश्वर की स्तुति का गीत है। ईश्वर ने जो कुछ कहा वह सब मरियम ने स्वीकार किया। मरियम ने ईश्वर के प्यार और अनुग्रह को महसूस करते हुए इस अद्भुत गीत के साथ ईश्वर की स्तुति की। पुराने विधान में भी हम ऐसे एक स्तुतिगान पाते हैं, हन्ना का गीत। हन्ना सामूल की मां थी। हन्ना का गीत मैग्निफिकट की मूल रूप थी। जैसा कि हम सामूल की पहली पुस्तक अध्याय 1 प्रसंगिया 1 से 28 में पढ़ते हैं, एलकाना की दो पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के तो दो बच्चे थे, परंतु हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। पनिन्ना लगातार हन्ना को उसके बांझपन के लिए ताना मारती थी। जब एलकाना और उसका परिवार बलिदान देने के लिए शीलो की तीर्थ यात्रा पर गए, हन्ना ने एक बच्चे के लिए ईश्वर से बहुत प्रार्थना की। उसने प्रतिज्ञा की कि वह बच्चे को जीवन भर ईश्वर को अर्पित कर देगी और कोई भी उस तरह उसके सिर को नहीं छुएगा। अथा ईश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर देते हुए उसे सामूएल नामक एक पुत्र प्रदान किया, जिसे उसने शीलो के अभ्यारण्य में एक मंत्री के रूप में ईश्वर को समर्पित किया, जैसा कि उसने वादा किया था। हन्ना के गीत में हन्ना ने उसे सही डराने और उसके बेटे सामूएल के जन्म के समय उसकी आंखों से आंसू पोंछने के लिए ईश्वर की महिमा की। प्रभु के अलावा उनके पास मदद के लिए जाने वाला कोई और नहीं था। मरियम धन्यवाद का एक आदर्श है, जैसा कि उसके स्तुतिगान में प्रकट होता है। ईश्वर ने उसके जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए मरियम खुश होती है और ईश्वर की स्तुति करती है। वह ईश्वर को धन्यवाद देती है कि ईश्वर ने उसके लिए पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से दुनिया के लिए क्या किया है। वह ईश्वर की दयालुता को स्वीकार करती है। हमें भी मरियम की तरह ईश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए ईश्वर के प्रति लगातार अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। अपने आप से पूछना उचित है, ईश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है कि मुझे ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए? क्या मेरे जीवन में ईश्वर को धन्यवाद देने का कोई कारण है? क्या मैं पहचानता हूं कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है? आइए हम मां मरियम का अनुकरण करें और उनसे हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए कहें, ताकि हम भी अपने जीवन में ईश्वर की अनुग्रह को पा सके और ईश्वर को धन्यवाद दे सके। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें और याद रखें कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। मैं संत पौलुस के इन शब्दों के साथ इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। तस्लोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 18 तक। धन्य कुमारी मरियम हम सबके लिए हमेशा प्रार्थना करती रहे। आमीन।